हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस मैप मेकिंग की क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था साउथ इंडिया रिवर के बारे में, जहां पर हम लोगों ने गोदावरी कृष्णा रिवर के बारे में और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अदर रिवर्स के भी बारे में बात किया था। कुछ और भी रिवर्स हैं हमारी, जैसे कावेरी रिवर हो गई, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। एंड आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ टूडेज क्लास, जितनी भी आपकी रिवर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके होंगे। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जो प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल और टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। साउथ इंडिया के रिवर के बारे में हम लोगों ने इन रिवर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पर हम लोगों ने देखा था सुबर्णरेखा रिवर के बारे में, ब्राह्मणी रिवर के बारे में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेर, बाकी हम लोग देखने वाले इस क्लास में कावेरी, अमरावती और तम्रापानी रिवर के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आती है हमारी कावेरी रिवर, और कावेरी रिवर के बारे में अगर बात करें तो इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा, ये सारे नाम साउथ इंडिया में प्रचलित है, फेमस है। गोदावरी रिवर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसे हम बूढ़ी गंगा बोलते हैं। दक्षिण गंगा कावेरी रिवर को बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी सेक्रेट रिवर है, इस वजह से कहा जाता है। ये सेक्रेट रिवर जैसे गंगा होती है वैसे ही होती है, और इसीलिए साउथ की गंगा कावेरी रिवर को कहा जाता है। ये सारे नाउन आप लोग याद रखिएगा, ये सारे नाउन से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। बात करें अगर कावेरी रिवर निकलती कहां से है, तो कावेरी रिवर निकलती है मैसूर प्लेटू कर्नाटका से निकलती है। यहां पर एक रेंज है ब्रह्मगिरी रेंज, जो कि वेस्टर्न घाट के पास में आ जा रही होती है। जैसे आप याद रख सकते हैं कि हमारी गंगोत्री से निकल रही होती है गंगा, वैसे ही ब्रह्मगिरी से निकल रही होती है कावेरी। क्लियर हो गया, ये कावेरी रिवर फिर आगे निकलती है और अपने अपर रीचेस, मिडिल रीचेस और लोअर रीचेस से होकर के गुजर रही होती है। अपर, मिडिल और लोअर का मतलब ये है कि अपर रीच में ऑब्वियसली वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर वाटरफॉल वगैरह बना रही होती है। तो कई सारे वाटरफॉल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे शिवा समुद्रम एक तरीके का वाटरफॉल है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मिडिल रेंज में आने के बाद ये अपनी मियांड्रिंग स्टार्ट कर देती है और अल्टीमेटली लोअर एज में आकर के डेल्टा फॉर्म कर देती है, और इस तरीके से यह पूरी रिवर अल्टीमेटली जा करके बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही होती है। यही है पूरे के पूरे रिवर के बारे में। अगर बात करें ये किस किस स्टेट से होकर के गुजरती है, तो सीधे सीधे आपको पता चल गया कि कर्नाटका से निकल रही है, तो कर्नाटक में तो फ्लो होती ही होगी। कर्नाटक के बाद में फिर ये चली जाती है केरल में, केरल से चली जाती है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद पुडुचेरी, यूटी, यूनियन टेरिटरी में चली जा रही होती है। तो बेसिकली यहां पर तीन स्टेट और एक यूटी है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कावेरी रिवर चार स्टेट से होके गुजरती है, तो आप इसको गलती से चार भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तीन स्टेट है और एक यूटी है, तो इस चीज को जरा सा ध्यान में रखिएगा। आगे अगर बात करें इस रिवर के बारे में, तो ये 20 किलोमीटर मैसूर के ऊपर से निकलती है और वहां पर कृष्ण सागर रिजर्वायर बना रही होती है। बाकी ये कई सारे और भी आइलैंड नेशंस, जैसे आइलैंड एरियाज, जैसे श्रीरंगपत्तम, फिर उसके बाद शिवा समुद्रम, इस एरिया से गुजरती है और अल्टीमेटली यहाँ पर वाटरफॉल बनाती है, और आगे जाकर के रैपिड्स वगैरह बनाने के बाद में आगे जाकर के दूसरी स्टेट में चली जा रही होती है। कावेरी रिवर के बारे में बात करें, तो कावेरी रिवर प्लंजेस थ्रू अ सक्सेशन ऑफ ब्यूटीफुल गॉर्जेस। ऑब्वियसली यहां पर जब अपने अपर रीचेस से गुजरेगी तो कई सारे गॉर्जेस बना रही होगी और हेयर पिन स्ट्रक्चर ले रही होती है। यहां पर एक और वाटरफॉल आती है जिसका नाम है हैंगनकल वाटरफॉल। हालांकि इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन नाम याद रखिएगा, ठीक ठाक रहेगा। अब देखिए कावेरी रिवर जब मूव कर रही होती है तो बीच में पड़ता है नीलगिरी। ये नीलगिरी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक पार्ट इसकी चली जाती है केरला साइड में, दूसरी पार्ट चली जाती है ये तमिलनाडु साइड में, और अल्टीमेटली दोनों फिर मिलकर चली जा रही होती है पुडुचेरी साइड में, और अल्टीमेटली ये ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि नरोगौच नीलगिरी हिल्स पे बना रही होती है डोडापेटा पीक के पास, और फिर यहां पर कई और भी रिवर्स इसको ट्रिब्यूटरी के फॉर्मेट में मिल जाती है, जैसे भवानी हो गई, मोयार हो गई, यहां से ये मिट्टू डैम बना रही होती है और आगे फिर चली जा रही होती है। अगर इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो थोड़े से नाम टफ है, जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हरांगी, हेमवती, शिमशा और
अरकवती, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो लक्ष्य, मानतीर्था, कबानी, सुर, वर्नाती और भवानी, नोइल और अमरावती बेसिकली ये रिवर्स हो जाती हैं। याद करने के लिए अगेन एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं, और यहां पर अगेन जो ट्रिक है केवल और केवल याद करने के लिए, इसका किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है। ट्रिक के बारे में एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, सब लोगों ने मूवी देखी होगी बाहुबली। बाहुबली में जो मेन कैरेक्टर है वो रहता है अमरेंद्र बाहुबली। तो शूरवीर अमरेंद्र बाहुबली लक्ष्य से कभी चूके नहीं थे। तो यहां पर देखिए याद करने के लिए, शूरवीर का मतलब हो गया आपका सुर, वर्णावती, अमरेंद्र का मतलब हो गया अमरावती, बाहुबली का मतलब हो गया भवानी, लक्ष्य का मतलब हो गया लक्ष्य, मंतीर्था, कभी का मतलब हो गया कबानी, और नहीं का मतलब हो गया नोइल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक बना करके। साथ ही साथ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को कैसे याद रखें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को याद करने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं कि अमरेंद्र बाहुबली ने एक तोता पाल के रखा हुआ था, तोते का नाम था हेमवती। अब हेमवती इसका शीश कैसा होगा, चूंकि तोता है तो इस वजह से इसका शीश हरा होगा, तो हरा हो गया, तो शीश जो है हरा है, यानी तोते का नाम है हेमवती और इसका शीश जो है शिमशा हरा है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दोनों याद कर सकते हैं, इस तरीके से छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बना करके याद रख सकते हैं। बेसिकली आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके के या किसी भी तरीके के कोई भी न्यूमोनिक्स या किसी भी तरीके से आपको आंसर निकालना होता है, जिसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको दी हुई है। आगे बात करें अगर तो अमरावती रिवर के बारे में आती है। अमरावती रिवर जो है वो कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी होती है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, याद करिए अगेन, शूरवीर अमरेंद्र बाहुबली, यानी कौन से हो गए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर हो गया। इसके बारे में अगर बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर है, इनफैक्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कर लीजिए, जो कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से निकल रही होती है और अल्टीमेटली कावेरी तमिलनाडु का बॉर्डर बना रही होती है। ये कावेरी रिवर को करूर डिस्ट्रिक्ट में मिल रही होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये रिवर काफी ज्यादा पोल्यूटेड है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा हो रखा है इस रिवर के पास में। नेक्स्ट रिवर आती है हमारी ताम्रा पानी के बारे में। ताम्रा पानी भी अगेन जो है वो तमिलनाडु की रिवर है और ये भी कावेरी के साथ में ही ट्रिब्यूटरी बना रही होती है। इट इज ये निकल रही होती है पालनी हिल्स के पास से, और पालनी हिल कहां पे, वेस्टर्न घाट, जो कि मदुरई से निकल रही होती है और अल्टीमेटली जाकर के गल्फ ऑफ मन्नार में गिर जा रही होती है। तो ये थी पूरी की पूरी डिस्कशन, फटाफट देख लेते हैं इसकी एटलस में, फटाफट ओपन कर लीजिए एटलस में, देखते हैं हम लोग क्या चीज है। एटलस जब आप ओपन करेंगे तो आप चले आइए साउथ में। साउथ में यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको जूम कर लेता हूं मैं ताकि और क्लैरिटी के साथ दिखेगा। तो साउथ में जब आप देखेंगे तो यहां पर देखिए शिवराय हिल्स बनी हुई है, दूडा बेटा यहां पर बनी हुई है, दूडा बेटा से यहीं से देखिए कावेरी रिवर निकली हुई है। यहां पर वेस्टर्न घाट है, राइट साइड में आपको ईस्टर्न घाट मिलेगा, ऊपर आपको कृष्णा रिवर मिल जाएगी और नीचे जो है वो पेन्नार रिवर मिल जा रही होगी। और इस तरीके से देख सकते हैं कि कावेरी रिवर निकल रही है अल्टीमेटली, जो कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट से, मतलब कि पुडुचेरी स्टेट से निकल रही होती है। तो ये थी पूरी की पूरी डिस्कशन। इसके अलावा एक छोटी सी और रिवर है वैगई रिवर, इसके बारे में आपको जानने की कुछ खास जरूरत नहीं है, केवल आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे साउथ की रिवर है और यही है पूरी की पूरी हमारी रिवर्स के बारे में। तो ये थी हमारी पूरी रिवर के बारे में डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के हम तक रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।